हांसी में आज हुई अचानक ओलावृष्टि व तेज हवाओं के साथ हुई बरसात से एक ओर तो बढ़ते तापमान से लोगों को थोड़ी राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर किसानों के चेहरे मुरझा गए हैं। आज हुई तेज बरसात के साथ ओलावृष्टि से किसानों ने कहा कि सरसों व गेहूं की फसल में नुकसान हुआ है। वहीं किसान नरेश सैनी ने बताया कि सरसों की फसल खेतों में तैयार खड़ी है, इस ओलावृष्टि से उनकी फसल खराब हो जाएगी जिससे किसानों को नुकसान होगा। वहीं बात करें दुकानदारों की तो शहर में पानी के जलभराव से भी नुकसान हो रहा है। आज जैसे ये तेज बारिश हुई है, ओलावृष्टि भी बहुत ज्यादा हुई है और तेज हवाओं के साथ है, तो इसका बड़ा नुकसान जाएगा जमींदारों के लिए खेतों में, क्योंकि इतने तेज ओले आए हैं आज, तो इसे सरसों की फसल है कटाई पे है, पकी हुई है, जिस भी फसल पे ओला पड़ेगा उस फसल को नीचे गिरा देगा। जिस प्रकार गेहूं की फसल बड़ी होगी है, तैयार होगी है और तेज हवाएं चल गई है और ओले भी गिरे, तो फसल नीचे गिर जाएगी। तो मैं ये मानता हूँ कि बहुत नुकसान होगा जमींदारों को, इससे बड़ा नुकसानदायक रहेगा ये ओलावृष्टि और बारिश का तेज हवाओं के साथ होना। क्या किसान अनुमान लगा रहा था इतनी तेज बरसात हो सकती है? मौसम विभाग ने कहा था हल्की बरसातें आएंगी, लेकिन ऐसे में एकदम तेज बरसात आना? नहीं, किसान तो यही सोचता है कि भाई टाइम पे बारिश आए, इस टाइम तो किसान यही सोच के रहता है भाई फसल का पकने का टाइम है, सरसों की कटाई चल रही है, तो इस टाइम बारिश नहीं आनी चाहिए। वो तो यही सोचता है कि भगवान ठीक रखेगा, कम बारिश करेगा, लेकिन ज़्यादा अनुमान से ज़्यादा बारिश आ रही है, नुकसानदायक रहेगा। थैंक यू सर।